गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी सीजल 2021 का टीयर 3 कंप्लीट हो चुका है। मैं भी एग्ज़ाम देकर बाहर आया हूँ, तो बात करते हैं आज कैसा रहा पेपर, क्या क्या टॉपिक पूछा गया। तो बात कर लेते हैं पहले लेटर लेस्टर और प्रेसिस में क्या पूछा गया था। तो भैया प्रेसिस आया था जिसमें 240 वर्ड थे और 240 वर्ड को समराइज करके आपको 80 से 90 वर्ड में लिखना था। दूसरी बात 10% की जो एक्स्ट्रा लिमिट थी वो आपको दी गई थी, मतलब 10% यदि आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो वो भी इवेलुएट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं एसी में क्या पूछा गया था। तो भैया एसएससी हर बार सरप्राइज करती थी और कर रही है, और पिछले में आप देखेंगे तो वो महानगरों से रिलेट करा के कुछ ना कुछ पूछते थे। इस बार बिल्कुल नया पूछा गया है कि भैया दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों को लाभ मिलता है, इसके बारे में आप अपनी टिप्पणी करें। तो बड़ा अच्छा टॉपिक था, मतलब इस पर कुछ आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बस लिखाओ इवेल्युएटर जो इवेल्युएट करके कितने नंबर देगा वो बाद में पता चलेगा। तो ये रहा ओवरऑल आज का एनालिसिस। मेरा भी पेपर अच्छा रहा, देखते हैं कितने नंबर मिलते हैं। आपने कैसा लिखा है, आपका कैसा पेपर गया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे किसी का पेपर होने वाला है जैसे एसएससी सीएसएल के लिए, तो वो लोग भी बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ रहा है जेनरिक टाइप का, तो ऐसे बहुत प्रैक्टिस करके आएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग योजनाएँ वगैरह तैयार करके जा रहे हैं और योजना से आप देख रहे हैं कि 2 से 3 साल तक कंटिन्यू योजना से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप सावधान रहें और जो नॉर्मल टॉपिक हैं इन पर अपनी कमांड बनाकर जरूर आएँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।